विगत दिनों अवैध रेत माफिया द्वारा मीडिया कर्मी पवन जाट पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। आनंद सिंह ने अपनी कंपनी के माध्यम से अवैध रूप से उत्खनन कर भराव किया, जिसमें शासन को करोड़ों रुपए की रॉयल्टी का नुकसान हुआ है। अतः भराव से जमीन के समीप किए जाने वाले नाले का प्रवाह भी प्रभावित हुआ है। विदित रहे कि बारिश में इन दिनों अत्यधिक पानी के आने से इस भराव के कारण स्लम बस्तियाँ डूब क्षेत्र में आ जाती हैं। इस संबंध में नगर के जनप्रतिनिधियों विशेषकर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भी इस संबंध में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अतः आज धरना देकर हम सब आपसे मांग करते हैं कि उक्त अवैध उत्खनन व उत्खननकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। निवेदक चेतन नामदेव, ब्यूरो चीफ व समस्त पत्रकार। ये कल की रखना है सर, कल दिनांक 11 मई 2018 को अवैध उत्खनन कर्ता ठेकेदारों द्वारा नागदा की प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर प्राणघातक हमला करने का जो प्रयास किया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान और विशेषकर मध्य प्रदेश में प्रेस पे हमले की घटनाएं बढ़ रही है। इसके पूर्व भिंड में भी अवैध उत्खननकर्ताओं ने एक पत्रकार की हत्या कर दी थी, जो कि प्रजातंत्र के लिए शर्मनाक है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार की घटना संवैधानिक संकट को दर्शाती है। और मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि उन अवैध उत्खननकर्ताओं पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री दिलीप शेखावत जी की शह है। मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना करने वाले लोगों को के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और शीघ्र उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे विधानसभा क्षेत्र खचोर नागदा में इस प्रकार के जन आंदोलन किए जाएंगे। सांकेतिक आंदोलन है हमारा, हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता श्री बसंत मालपानी, दीपक शर्मा जी, सारे लोग हमारा समर्थन इस प्रेस क्लब को देते हैं। और इस प्रकार की घटना अगर नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन करने को हमको बाध्य होना पड़ेगा। आज हमारे पत्रकार साथियों द्वारा अवैध उत्खनन के मामले को लेकर यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर के सामने लगभग 8 से 10 बीघा जमीन है, जिस पर अवैध रूप से उत्खनन करके भराव किया गया, यानी लाखों की जमीनों के भाव करोड़ों में कर दिए गए और शासन की रॉयल्टी में भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस संबंध में कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा और हमारे द्वारा भी शिकायत की गई कि जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन शासन और प्रशासन स्तर पर उक्त ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि इस अवैध उत्खनन में कहीं ना कहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हित लाभ लगे हुए हैं। आज भी पत्रकार साथियों द्वारा धरना दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से ये बात आई कि कल जब पत्रकार साथी मंगल जाट ने इस पूरे पवन जाट ने जब इस मामले की पूरी शूटिंग की, तो इनके ऊपर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास ठेकेदार VP सिंह के पुत्र आनंद सिंह द्वारा किया गया। मतलब पूरे क्षेत्र में दादागिरी पूर्वक ठेकेदार द्वारा कार्य किए जा रहे हैं और शासन और प्रशासन द्वारा इन ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं करना इनके हौसले को बुलंद करने जैसा है। मैं
मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ठेकेदार पर ठोस कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस पत्रकार साथियों के साथ मिलकर आंदोलनात्मक कदम उठाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दैनिक दस्तक पत्रकार समाचार पत्र के हमारे साथी पवन जी जाट के साथ कल दिनांक 11/5/2018 को अवैध उत्खनन कर रहे माफिया ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था। हालांकि प्रशासन ने उसमें प्रकरण तो दर्ज कर लिया, मगर निष्पक्ष धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। जानलेवा धारा हमला में प्रकरण दर्ज होना था। प्रशासन को इस बात की जानकारी पिछले कई समय से है कि ना अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है, पर लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव के कारण आज तक इन खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसी मसले को लेकर आज दिनांक 12 को हम पत्रकार साथियों द्वारा जो धरना दिया गया, उसमें हमारी मांग ये है कि इन खनन माफियाओं पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, पत्रकार साथी को न्याय मिले,